नमस्कार सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, व्यापार करे से संबंधित। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज, चूरू, राजस्थान। आज हम जिस टॉपिक पर अपना डिस्कशन जारी रखेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट और लॉस, प्रो एंड पोस्ट एंड कॉरपोरेशन। सम्मेलन से पूर्व व पश्चात का लाभ हानि। सम्मेलन से पूर्व व पश्चात के लाभ हानि। देखिए, जब हम व्यापार का क्रय करते हैं उस समय सम्मेलन से पूर्व और पश्चात दो प्रकार के लाभ या हानि की गणना आपको करनी होती है। कभी कभी व्यवसाय क्रेता कंपनी अपने सम्मेलन होने के पूर्व की तिथि से किसी चालू व्यवसाय को खरीद लेती है, कोई कंपनी सम्मेलन होने से पूर्व की तिथि से ही किसी चालू व्यवसाय को खरीद लेती है और क्रय किए हुए व्यवसाय की लेखा पुस्तकों को चालू रखती है। व्यापार को सम्मेलन होने के पहले से वो खरीद लेती है और व्यवसाय की जो पुस्तकें हैं उनको भी वो चालू रखती है। अपने शब्दों में बात करें तो कंपनी अपने सम्मेलन की तिथि को क्रय किए गए व्यवसाय की लेखा पुस्तकें बंद करके अंतिम खाते नहीं बनाती है, अर्थात जो पूर्व में व्यापार चल रहा है उन्हीं लेखा उन्हीं पुस्तकों को वो चालू रखती है, उन्हें बंद नहीं करती है और अंतिम खाते नहीं बनाती है। तथा विक्रेता व्यवसाय की पुरानी लेखा पुस्तकों को ही सम्मेलन के बाद भी चालू रखती है और पूरे लेखा वर्ष सम्मेलन से पूर्व की अवधि और बाद की अवधि को सम्मिलित करते हुए सामान्य लाभ विधि से ज्ञात करता है। दोनों को मिलाकर सामान्य विधि से लाभ को ज्ञात किया जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि संपूर्ण वर्ष के जो ट्रांजैक्शन है पर आधारित लाभ उक्त लाभ में से कंपनी लाभांश घोषित कर सकती है अथवा नहीं। हमने सम्मेलन से पूर्व और पश्चात दोनों के अवधि का सामान्य प्रॉफिट या हानि हमने गात कर ली। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्ष के जो ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन पर आधारित लाभ उक्त लाभ में से कंपनी लाभांश घोषित कर सकती है अथवा नहीं। अगर लेखा सिद्धांतों के दृष्टिकोण से बात करें तो सम्मेलन के पूर्व के व्यवहारों ट्रांजैक्शन से अर्जित लाभ पूंजीगत प्रकृति के लाभ समझे जाते हैं, कैपिटल प्रॉफिट होता है वो, इसलिए कंपनी उसमें से लाभांश घोषित नहीं कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने लाभ हानि खाते द्वारा दर्शाए गए लाभों
वह स्वतंत्र संचयों में से लाभांश का वितरण कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई कंपनी अपने लाभ हानि खाते द्वारा दर्शाए गए लाभों व स्वतंत्र संचयों में से लाभांश का वितरण कर सकती है। समाविलन से पूर्व का लाभ कंपनी का पूंजीगत लाभ है। लेखांकन व वैज्ञानिक दृष्टि से या दृष्टिकोण से कंपनी समाविलन से पूर्व के लाभों का उपयोग लाभांश वितरण के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी का जन्म समाविलन के दिन ही होता है। कंपनी का जन्म है वो जब समाविलन किया जाता है उसी दिन होता है, अतः उस तिथि से पूर्व के लाभ कंपनी स्वयं के द्वारा कमाए हुए लाभ नहीं है। ये लाभ तो एक प्रकार से व्यवसाय विक्रेता से खरीदे गए लाभ हैं। क्या है? एक प्रकार से व्यवसाय विक्रेता द्वारा खरीदे गए लाभ हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अंतर्गत कंपनी अपने स्वयं के कमाए गए लाभों का उपयोग ही लाभांश के लिए कर सकती है। समापन से पूर्व में कंपनी का अस्तित्व ही नहीं होता है। समापन से पूर्व में कंपनी का ही अस्तित्व नहीं होता है, फिर उसके लाभों का कंपनी के अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरण कैसे हो सकता है? समाविलन से पूर्व क्या होता है कि कंपनी का अस्तित्व ही नहीं होता है, तो फिर कंपनी लाभों का वितरण है वो अंशधारियों में लाभांश के रूप में किस प्रकार से कर सकती है? अतः समामिलन के पूर्व के लाभों के लिए लाभांश के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। यही कारण है कि जिस लेखा वर्ष में व्यवसाय क्रय किया जाता है उसी लेखा वर्ष के लाभों को दो भागों में विभाजित करना आवश्यक होता है, समामिलन के पूर्व अवधि का लाभ और समामिलन के बाद की अवधि का लाभ। दोनों प्रकार के लाभ है, दो भागों में उसको बांट देते हैं। व्यवसाय क्रय करने वाले लेखा वर्ष के लाभों को उपरोक्त दो भागों में विभाजित करने के लिए यदि संभव हो तो स्तंभाकार प्रारूप में व्यापार और लाभ हानि खाता बनाकर पृथक पृथक लाभ ज्ञात कर लिया जाता है या ज्ञात कर लेना चाहिए। पर्याप्त सूचना के अभाव में संपूर्ण वर्ष का एक साथ सकल लाभ ज्ञात कर लेना चाहिए और तत्पश्चात उस सकल लाभ को दो भागों में बांट लेना चाहिए। सर, प्रथम क्या करेंगे, संपूर्ण वर्ष के लिए ग्रॉस प्रॉफिट की गणना कर लेंगे और उसके बाद उस वर्ष के सकल लाभ को दो भागों में बांट लेना चाहिए। कंपनी के समाविलन की तिथि के पूर्व अवधि का सकल लाभ तथा समाविलन की तिथि के पश्चात की अवधि का सकल लाभ, इसके विभाजन हेतु उपयुक्त अनुपात का निर्देश प्रश्न में दिया हुआ हो सकता है। आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सल्यूशन तैयार करेंगे उस समय आपको कंपनी के समाविलन की तिथि के पूर्व अवधि का सकल लाभ और समाविलन के की तिथि के पश्चात की अवधि का सकल लाभ, इसके विभाजन हेतु उपयुक्त अनुपात का जो निर्देश है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। स्पष्ट सूचना के अभाव में समाविलन से पूर्व अवधि की बिक्री में व समाविलन के पश्चात की अवधि की बिक्री के अनुपात में
सकल लाभ का विभाजन कर लेना चाहिए। इन दोनों अवधि की बिक्री की सूचना यदि आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो अवधियों टाइम्स अर्थात उनके समय के अनुपात में सकल लाभ को विभाजित किया जा सकता है। सूचनाओं के अभाव में हम समय के आधार पर भी सकल लाभ को विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समावेलन से पूर्व और पश्चात के लाभों की गणना करते हैं और स्पष्ट सूचना के अभाव में सकल लाभ की गणना बिक्री के अनुपात में, अगर बिक्री का अनुपात आपको नहीं दिया गया है तो समय के आधार पर उनका विभाजन किया जा सकता है और दोनों को प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए स्तंभाकार व्यापार व लाभहानि खाता तैयार करने के करके ये लाभ वो ज्ञात कर लिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।